दोस्तों YouTube लेकर आया है नया टूल्स जिनसे जिनसे आप अपने पैशन को दे सकते हैं नई उड़ान दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कौन से नए टूल्स हैं जो YouTube लॉन्च करने वाला है, जिससे नए क्रिएटर जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनको बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो आप इन नए टूल्स का यूज करके अपने वीडियो में ग्रोथ ला सकते हो, अपने चैनल पर ग्रोथ ला सकते हो, आपके शॉर्ट वीडियो 100% वायरल जाएंगे। ऐसे ऐसे नए टूल्स हैं जिनको जानकर के आपको बहुत ही बड़ी खुशी मिलने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना और वीडियो कर देना ज्यादा से ज्यादा लाइक दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक से एक टूल्स देखने को मिलने वाले हैं और जो टूल्स मैं बताऊंगा वो टूल्स धीरे धीरे लॉन्च भी होने वाले हैं दोस्तों। ये नए टूल्स आपको बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे दोस्तों, और इनका इस्तेमाल करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो आसानी से और आपको अच्छे से रीच मिलेगी दोस्तों, इम्प्रेशन भी बढ़ेगा दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके आइडिया को रियलिटी में बदलेगा ड्रीम स्क्रीन दोस्तों। ड्रीम स्क्रीन नाम से एक लॉन्च होने वाला है नया टूल्स, जिसकी मदद से आपका जो वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो जो होगा, उसको आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यह फीचर जल्द वीओ की मदद से काम करेगा, वीओ यानी कि वीईओ की मदद से काम करेगा, जो कि गूगल डीप माइंड का सबसे नया और बेहतरीन जनरेटिव वीडियो मॉडल है दोस्तों। इसके इस्तेमाल से आप तैयार कर पाएंगे सबसे शानदार बैकग्राउंड और इमेजेस दोस्तों। व्यू जल्द ही आ रहा है, ड्रीम स्क्रीन फिलहाल इन मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। अभी तक ये हमारे कंट्री में नहीं आया था, अभी आने वाला है, लॉन्च होने वाला है। अभी तक ये बाहर था, मतलब कि बाहर के देशों में ये टूल लॉन्च हो चुका था, यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में दोस्तों यूज किया जा रहा था और वहां पे अच्छा रिजल्ट मिला, जिससे अब इंडिया में भी लॉन्च किया जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल शॉर्ट क्रिएटर जो है उनको करना, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस क्रिएट से क्या करेंगे, इस टूल का अगर यूज कर लेते हो आप, तो इससे आप कहीं पर बैठ करके कहीं का भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। जैसे कि आप किसी भी कंट्री के नहीं गए हो, ट्रैवल नहीं किए हो, लेकिन आप अगर बैकग्राउंड पीछे का चेंज करना चाहते हो, तो आप यहां से वीओ की मदद से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो दोस्तों। आपको ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। प्रॉम्प्ट यानी कि जो जो चीज चाहिए आपको वो चीज लिख देनी है और वही चीज वहां पर बैकग्राउंड में आ जाएगी दोस्तों। जैसा कि आप शिमला घूमने जा रहे हो, ऐसा अगर आप अपने वीडियो में दिखाना चाहते हो, तो आप वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो वहां पर सिर्फ लिख करके कि शिमला व्यू, तो वहां पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट वीडियो को जब क्रिएट करोगे, तो आपके जो ऑडियंस है उनको और अच्छा लगेगा वीडियो, क्योंकि कुछ अलग हटके वीडियो आएगा, तो इससे आपकी रीच भी बढ़ेगी और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यूज भी बढ़ेगा। तो ये पहला टूल है दोस्तों। अब नेक्स्ट टूल बताते हैं दोस्तों, दूसरा टूल हाइप। हाइप क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखो, हाइप से बढ़ेंगे कंटेंट की रीच। हाइप जो है उससे आपकी कंटेंट की जो रीच है वो बढ़ेगी दोस्तों। कैसे बढ़ेगी, ये सब छोटे क्रिएटर्स के लिए दिया गया, यूट्यूब छोटे क्रिएटर्स को मदद कर रहा है और उसके लिए ये लॉन्च कर रहा है नए नए टूल्स। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना और बिना स्किप किए वीडियो को देखना। अब वीवर्स कंटेंट क्रिएशन में आपका और साथ दे सकते हैं, समझ रहे हो। अब वीवर्स जो आपको देख रहे हैं, आपके वीडियो को देख रहे हैं, वो आपके कंटेंट क्रिएशन को आपका और साथ दे सकते हैं, समझ रहे हो। इसके लिए उन्हें बस आपके नए कंटेंट को हाइप करना होगा, जो आपका नया कंटेंट होगा उसमें एक हाइप का ऑप्शन आएगा और उनको हाइप करना होगा। जब जब ढेर सारे लोग उसे हाइप करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको हाइप करेंगे, तो वह लीडर बोर्ड में शामिल हो जाएगा, यानी कि एक लीडर बोर्ड बनाया जाएगा और उसमें रैंक करवाया जाएगा। जिसके वीडियो पर सबसे ज्यादा हाइप होगा उसका वीडियो रैंक में नंबर वन पर आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब वह कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, तो उस कंटेंट को, उस वीडियो को ज्यादा लोगों तक यूट्यूब पहुंचा देगा, तो इससे आपके वीडियो की रीच बढ़ जाएगी दोस्तों। फायदा मिलेगा हाइप से, इससे आपका वीडियो 100% वायरल हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हो ना। ये फीचर्स अभी ताइवान, तुर्की और ब्राजील में 500 सब्सक्राइबर से लेके 5 लाख सब्सक्राइबर जिनके चैनल पर हैं उनको ये मिल रहा है, ठीक है, उन क्रिएटर्स को ये मिल रहा है, और अगले साल इसे और मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 2025 में ये आपके इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। अभी तक ये बाहर है, तुर्की और ब्राजील में है दोस्तों, और ये 500 सब्सक्राइबर से लेकर के 5 लाख सब्सक्राइबर जिनके चैनल पर है उनको ये दिया जा रहा है दोस्तों, समझ रहे हो। तो इसका यूज करके आप हाइप का यूज करके
आप अपने चैनल पर रीच बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको मिल सकेंगे ढेरों गिफ्ट। गिफ्ट कैसे मिलेंगे दोस्तों, ये मैंने कल के वीडियो में बताया है दोस्तों। वहां पर आप लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया किस तरीके से मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अब व्यूअर्स वर्चुअल गिफ्ट अनलॉक करके उन्हें अपने फेवरेट क्रिएटर्स को उनकी लाइव स्ट्रीम के दौरान दे सकेंगे। जब आप लाइव स्ट्रीम करोगे वर्टिकल लाइव, वर्टिकल लाइव का मतलब होता है जब इस तरीके से आप लाइव करते हो तो ये होता है वर्टिकल लाइव। ठीक है, जो शॉर्ट फीड में जाती है उस पे क्या होगा, अब आपको अभी तक सुपर चैट सुपर थैंक्स मिल रहा था, अब क्या होगा वहां पर आपको गिफ्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। वहां पर जितने लोग आपको गिफ्ट करेंगे, कोई हार्ट गिफ्ट करेगा, कोई गिफ्ट बॉक्स करेगा, बहुत सारे वहां पर गिफ्ट दिए जाएंगे। देखा होगा कि आप पहले कई सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिनमें गिफ्ट किया जाता था, जैसे कि टिकटॉक था और सारे बहुत सारे थे, तो उनमें ये सारा फीचर्स था, वही फीचर्स अब यूट्यूब भी लॉन्च कर रहा है दोस्तों। इससे आपकी स्ट्रीम में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा दोस्तों, इससे आपकी ऑडियंस और बढ़ेगी जब गिफ्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, और आपकी कम्युनिटी भी स्ट्रांग होगी दोस्तों। इससे आपको रेवेन्यू का नया सोर्स भी मिलेगा, साल के अंत तक ये अमेरिका में उपलब्ध होगा दोस्तों। ये इससे आपको रेवेन्यू मिले, जितना आपके पास गिफ्ट आएगा उसकी कुछ वहां पर वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि आपको डॉलर बनेंगे उससे, तो वो रेवेन्यू होगी दोस्तों। और ये साल के अंत तक ये अमेरिका में उपलब्ध हो जाएगा, मतलब कि इस साल के अंत तक दिसंबर तक ये अमेरिका में हो जाएगा, 2025 में इंडिया में भी आ जाएगा दोस्तों। नए आइडियाज ढूंढना होगा आप आसान दोस्तों, अगर आपको नए नए आइडियाज ढूंढना है तो अब आपको आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। कैसे, जैसे कि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है लेकिन आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, कैसे लिखें, कैसे डिस्क्रिप्शन, कैसे टाइटल, ये सारा सब कुछ अब आपको इंस्पिरेशन टैब पर सारा सब कुछ मिलने वाला है। आप हम यूट्यूब स्टूडियो में इंस्पिरेशन टैब को बेहतर बना रहे हैं ताकि एआई वाले नए नए फीचर्स आपको मिल सके। जो आप वाईटी स्टूडियो पर देखते होंगे इंस्पिरेशन लिखकर आता है, वहां पर अब एआई टूल को ऐड किया जा रहा है। वहां पर अब क्या होगा, आपको इंस्पिरेशन टैब पर जाना है और इन फीचर से आपको न सिर्फ वीडियो आइडिया बल्कि वीडियो के थंबनेल और उनकी आउटलाइन जनरेटर दोस्तों, वहां पर आपको थंबनेल से लेकर के आउटलाइन डिस्क्रिप्शन टैग हैशटैग सभी कुछ वो देगा आपको। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको वहां पर टाइटल डालना है कि इस टाइटल पर हमने वीडियो क्रिएट करना है, तो वहां पर आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी पूरी और वहां पर आउटलाइन भी मिल जाएगी। वहां से आप सारा सब कुछ पढ़ सकते हो और अपने वीडियो पर शो कर सकते हो, तो आपको इससे मदद मिलेगी वीडियो क्रिएट करने में दोस्तों। तो इससे क्या होगा, और अच्छे अच्छे आइडियाज आपको मिलते रहेंगे, आपको मदद करेगा यूट्यूब। तो इतने अच्छे अच्छे फीचर्स लेकर आया है, ये नया वर्जन 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा, यानी कि दिसंबर तक ये भी लॉन्च होने वाला है दोस्तों। तो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं दोस्तों, और इनका जैसे ये लॉन्च होते हैं तो इनका इस्तेमाल करना आपको शुरू कर देना है, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ना। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना है दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा नए नए वीडियो का। तो मैं लाता रहूंगा जैसे जैसे ये लॉन्च होते रहेंगे, तो इन ऐप इन टूल्स का मैं जानकारी इसी चैनल पर डालता रहूंगा, तो इससे आपको सीखने में मदद मिलेगी और आप सीख सकते हो, जान सकते हो कि कैसे यूज करना है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, कमेंट टैब्स होने वाले हैं अब और खास दोस्तों। अभी तक जो कमेंट करते थे लोग, अब वहां पर और भी बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। कमेटी हब में अब कमेटी हब बना दिया जाएगा, आपको अपने अंदाज में कमेंट का रिप्लाई देने के लिए सुझाव मिलेंगे। यही नहीं, आपको अपनी कमेटी से जुड़ी खास जानकारी और ऑडियंस मैट्रिक भी मिलेगी, ताकि आप अपने व्यूअर्स के बारे में जान पाए। ये फीचर अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे रिलीज किए जाएंगे, ये बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, अगले हफ्ते तक आ सकता है। अब आपका क्या होगा, ये जो कमेंट होते हैं वहां पर एक कमेटी हब बना दिया जाएगा, और कमेटी हब में जैसे ही जाओगे तो जहां जिसने सबसे ज्यादा कमेंट किया होगा तो उनके कमेंट वहां पर शो होंगे, और जब शो होंगे तो उसमें से आपको रिप्लाई करने में आसानी होगी दोस्तों। तो वहां पर आप आराम से आसानी से रिप्लाई कर सकते हो, उससे आपकी कमेटी जो है वो और भी जुड़ेगी आकर और खास हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सभी को आप रिप्लाई कर सकते हो। जब आप कमेंट कर रिप्लाई देते हो तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाती है कि हाँ इन्होंने हमारे कमेंट का रिप्लाई किया। तो इस वजह से यहाँ पर एक कमेटी हब बना दिया गया है। तो दोस्तों धीरे धीरे यूट्यूब क्या कर रहा है, क्रिएटर को और ऊंचे उठाने की कोशिश कर रहा है, मदद कर रहा है कि आप भी उठो और हमें भी पैसा कमवाओ, समझ रहे हो ना।
YouTube भी कमाना चाहता है, जब आप काम करोगे तो YouTube को भी पैसा मिलेगा। तो YouTube सोच रहा है कि आपको और ऊपर उठाया जाए ताकि जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा YouTube को फायदा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों ये लास्ट था, और लास्ट होने के साथ साथ दोस्तों हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे और ये कुछ नए टूल लॉन्च होने वाले हैं और बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे और आपको YouTube पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इनका यूज करना आपको सीखना है और अच्छे से सीखना है। अच्छे से जब सीख करके काम करोगे तो आपका वीडियो और आपका चैनल 100% ग्रो होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, लाइक नहीं करते हो आप लोग, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतने अच्छे कॉन्टेंट लेकर आऊंगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखना।